देश की सीमा पर अपनी जान गंवा चुके कासगंज के बीएसएफ के जवान का आज पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में मातम छा गया। जनपद कासगंज की तहसील पटियाली क्षेत्र के गांव गाड़िया के रहने वाले और मेघालय में तैनात बीएसएफ के जवान रविंदर बघेल का आज पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उनके पैतृक गाँव पहुंचा। बीएसएफ के जवानों ने सैनिक के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए अंतिम सलामी दी। सैनिक के अंतिम दर्शनों के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि सैनिक की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। जो आपके गांव के एक सैनिक की मौत हुई है, रविंदर गांव में क्या माहौल है, क्या मांग है परिवार की सरकार से? तो गांव में जो मौत हुई है फौजी, ये बहुत अच्छी आदत का था। पूरे क्षेत्र में बहुत दुखी वह है और क्षेत्रवासी और गांव परिवार की मांग ये है कि इसके परिवार के लिए नौकरी मिले, किसी बच्चे या उसके लिए, या गांव में कोई स्कूल या कॉलेज बनवाया जाए उसके नाम से, जिससे उसका नाम रोशन हो। वो बुखार आने के कारण मौत हमारी हुई थी। तैनात ड्यूटी पर थे अपने मेघालय में और वहाँ से हमारे बीएसएफ के जवान लेकर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने अंतिम संस्कार किया, आकर सलामी ली। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से हम मांगना चाहते हैं कि हमारी पुत्रवधू को नौकरी दी जाए, दूसरे नंबर पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी का हमारे लिए लाइसेंस दिया जाए।